आईसीएमआर ने कोविड-19 के टेस्ट में एक बड़ा ही रणनीतिक बदलाव किया है, और वो बदलाव ये है कि जो हॉटस्पॉट है, क्लस्टर है, या फिर जहां पर बड़ी संख्या में प्रवासी लोग रह रहे हों, या फिर कुछ ऐसे जगह से लोगों को निकाला गया हो, मास इवैक्यूएशन किया गया हो, उन लोगों में एक खास तरह की रणनीति अपनाई जाएगी जांच के लिए। और वो जांच ये होगा कि ऐसे जगह में उन सभी लोगों की जांच की जाएगी जिनमें इन्फ्लुएंजा के लक्षण है, जिसमें बुखार, कफ, गले की खराश, नाक बहना, ये सब शामिल है। और ये जो लक्षण है, अगर किसी के अंदर 7 दिन के अंदर दिखता है तो उनको रियल टाइम RT-PCR जहां से गुजरना होगा, और उसमें ये पता लगेगा कि आपको कोविड-19 है या नहीं है। इसके अलावा अगर आप 7 दिन बाद अपनी जांच कराते हैं तो वो एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा, और अगर किसी को एंटीबॉडी टेस्ट निगेटिव आता है तो उसके फिर से RT-PCR टेस्ट से गुजरना होगा, तब ये पता चलेगा कि उनको कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं। तो ये बड़ा ही खास बदलाव आईसीएमआर ने किया है जो टेस्टिंग को लेकर के है, तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है।